नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जिस तरह से लगातार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर इस बिल के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इस वक्त जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इसके विरोध में है। आपको बता दें कि यहां पर कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वही विपक्षी दल हैं जो अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को जो महाबैठक हुई थी वहां पर विपक्ष के तौर पर एकजुट होते हुए नजर आए। यानी कि दावा यह किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं विपक्ष के बीच फूट डालने का काम कर दिया है और कहीं ना कहीं वो फूट अब काफी ज्यादा बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुए बड़े उलटफेर को लेकर कई विपक्षी दल यहां पर अजीत पवार का समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए तो वहां कई यहां पर जो नेता है वो इस पर इसकी बगावत को लेकर भी बोलते हुए नजर आए, यानी कि नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक दांव खेलती हुई नजर आ रही है, क्या इन दांव के आगे विपक्ष एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में उतरता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे को लेकर विपक्ष से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यूसीसी के मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं शिवसेना, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यहां पर अगर बात करें तमाम विपक्षी दल अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सवाल ये भी है कि जल्द ही अब पीएम चेहरे को लेकर भी विपक्ष के बीच काफी ज्यादा बहस देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर अब तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही पीएम उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष की तरफ से देखे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा के साथ दोषी करार किए गए राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, ऐसे में विपक्ष अब अपने पीएम के तौर पर चेहरे की भी तलाश कर रहा है और जिसके लिए जल्द एक और बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन यहां पर इसी बीच जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। पंकज नारायण जी को बधाई देता हूँ, अपना दल कवेरा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि सोने लाल पटेल जी के आज उन्होंने जयंती के कार्यक्रम में हम सब बुलाया। डॉक्टर सोने लाल पटेल जी की जो जन्म स्थान था वो कन्नौज, और हमारा और समाजवादियों का, नेताजी का कम क्षेत्र रहा कन्नौज, ये लगाव उनके साथ रहा। उन्हें हम लोगों ने बहुत समय से देखा कि जिस तरीके से शोषित, वंचित, पिछड़े और जिनको मुख्य धारा में सम्मान नहीं मिला उनके लिए संघर्ष करते थे, उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो समय लोगों को याद होगा जिस समय एक सभा का आयोजन था पीडी टंडन पार्क में 23 अगस्त 1999 में इलाहाबाद में, और किस तरीके से साजिश करके उन पर हमला हुआ, उनकी जान भी चली जाती, कई वर्षों पूरे जीवन पीड़ा रही, लेकिन जो रास्ता उन्होंने बनाया कृष्णों को, दलितों को, बहुजन समाज को सम्मान दिलाने का, उस रास्ते पे वो लगातार चलते रहे। ऐसे डॉक्टर सुनीला पटेल जी को हम याद करते हैं, उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए उस रास्ते पे चलने का काम। आज मायावती ने बोला है कि यूसीसी का समर्थन है लेकिन उसको जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए और भाजपा मुद्दों से भड़का रही है, महंगाई के मुद्दों से यूसीसी बनाकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है
कौन तो है जयपुर रोजगारी के नाम पर जो धोखा दिया है इन्होंने नौजवानों को, आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कारखाने नहीं लगे और जो महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गई, महंगाई का आखिरकार मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा महंगाई की वजह से किसकी जेब में जा रहा है? किसकी जेब में जेब भरी जा रही है? और अब तो वो आंकड़े भी बाहर आ रहे हैं कि उधार लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लें, और वही लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, जब कभी भी कोई भी आकलन करेगा भाई आवाज नीचे कर लो जरा, नोटबंदी मुंह खुशी जा रही है भाई, और 2000 रुपए की बंदी सबसे एकदम सामने नहीं आ रहा है, और एक प्लैंड प्रोग्राम होगा। इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। ये लोग तो अक्साई चिन्ह की बात कर रहे थे, पीओकी की बात कर रहे थे, आज महंगाई क्या खत्म कर दी इन्होंने? तो इसलिए जानबूझ करके बहस छिड़े, जो बुनियादी सवाल है उन पर बहस नहीं हो। इसी उत्तर प्रदेश में आकर के बीजेपी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ अगर 1 किलो भी आलू खरीदा हो, धान किसान की मदद की हो, गेहूं प्राइवेट कंपनियों को खरीदवा दिया इन्होंने, आज जो कोई भी खाने पीने की चीज का कौन जिम्मेदार है? इस सवाल के इनके पास जवाब नहीं है। सर लाइट को लेकर के, बिजली को लेकर के काफी लोगों की मौत हो चुकी है। सर एक ट्वीट वायरल हो रहा है अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी हो रहा है फ्रांस का, अखिलेश जी ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितने नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना है, चाहे गरीब किसान भोजन कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। सर बिजली को लेकर के काफी लोगों की मौत हो चुकी है। सर अखिलेश जी मैंने आपसे कहा यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। अखिलेश जी बिजली को लेकर काफी लोगों की बहुत हो चुकी है, जब छापे छापों को लेकर के बिजली के बारे में क्या पत्रकार साथियों, ये बुनियादी सवाल है ही नहीं। अरे बिजली का सवाल होता तो आज तक मुख्यमंत्री कम से कम प्लांट का नाम तो लेते, बिजली के प्लांट के कारखाने अगर समाजवादी के बनाए हुए चला दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, 24 घंटे बिजली होती। जितने समाजवादी सरकार में लगाए गए बिजली के कारखाने हैं, इस सरकार ने पूरे नहीं किए, चाहे आपका एटा का हो, चाहे आपका निवेली लिग्नाइट कानपुर देहात का भोगनीपुर का हो, चाहे आपके कानपुर का बनकी का हो, कोई भी कारखाना ये शुरू नहीं कर पाया। उसका परिणाम ये है कि बिजली भी नहीं है और बिजली इतनी महंगी है, कारखाने भी नहीं लग रहे हैं न कारखाने चल रहे हैं। अगर इतनी महंगी बिजली होगी तो आम जनमानस को तो बिल देना ही पड़ेगा, और कारखाने कैसे मुकाबला कर पाएंगे? अगर कोई चीज बनाएंगे तो मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे, ये देश को बिल्कुल पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। सर ठीक है सर, फिलहाल बयान दिए लखनऊ में कि जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं उसके पिछले दलित 80% एनडीए के साथ है। ये बना लेने बीजेपी जो बात कहनी चाहती है वो दूसरों से कहवाती है। बीजेपी के पास कई ऐसे लोग हैं जिनसे समय समय पर वो बात कहती है, बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते हैं? उनको नेताओं को अपने आंकड़े दिखाने चाहिए, मेरे भाई तुम कि आंकड़े क्या है, अपॉइंटमेंट्स किन का हो रहा है, नौकरी किन को मिल रही है। अभी मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों ने बड़े बड़े आंकड़े दिए हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनी में 6 लाख नौकरियां हैं, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख बनाए, बताओ इसमें पीडीए कितना है, क्या इसका जवाब है उनके पास? सर अमित शाह जिस तरह से लखनऊ आए इसको 2024 वो इसलिए आए क्योंकि सर आपका हॉल कैंसिल कर दिया। सोचिए आप ये तानाशाही, ये तरीका है सरकार के काम करने का। आप अगर कार्यक्रम करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे,
अरे हम तो ये भी जानते हैं, आपको ब्रेकिंग न्यूज भी बीजेपी देती है कि ब्रेकिंग न्यूज में ये लाइन चलाई है, आप ये लाइन हमें सूट कर रही है। तो सोचो ये है काम करने का तरीका। पटना में बैठक हुई थी, अब मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि हमारे साथी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा गाना गाएंगे। अभी तो मुलाकात है, मुलाकात के बाद ही कुछ बता पाऊंगा मैं, लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए, लक्ष्य एक है। जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अध्यक्ष को बुलाई कहाँ गए? सत्यम है, अच्छा सर, कारपोरेटर विजयवाड़ा का डिप्टी में आई आने दो उनको, प्रेसिडेंट साहब है, अच्छा नमस्कार, और रमेश है। देखिए कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अरे बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो, दल है, हम सब दल मिलकर की कोशिश यही कर रहे हैं कि बीजेपी देश से हटे। बीजेपी का हटना देश के हित में, संविधान को बचाने के। सर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलके करके उनका कहना है सर, जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए हमारे, जिनसे वो मिलते हैं उससे कह दो कि ले जाए। कांग्रेस की राहुल गांधी भी आए थे ना सर, राहुल गांधी भी आके, देखिए वो तो सब लोग आएंगे, बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है, और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ आना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी का जो मुकाबला कर रहे हैं उनको सबको साथ लाने का ही कोशिश लगातार रही है और होती रहेगी। कितने दिन के दौरा है सर? बस अभी मिलकर के जा रहे हैं, फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे। कांग्रेस और बीआरएस अगर साथ नहीं आ रही है, उन्हें साफ कर दिया, तब ऐसे में फिर आप लोग कैसे? बीआरएस ही तो लड़ रही है बीजेपी से, लेकिन फिर कांग्रेस भी तो वही कह रही है बीआरएस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ रहे क्या बीजेपी से? कांग्रेस हमसे लड़ेंगे क्या? लेकिन आपको समझना चाहिए कांग्रेस हमसे लड़ेगी क्या? मैं कह रही हूँ कि साथ। देखा आपने और सुना भी किस तरह से अखिलेश यादव अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक नेशनल पार्टी के तौर पर मजबूत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी जद्दोजहद में वो पटना भी जा पहुंचे, विपक्षी दलों के साथ उस महाबैठक में वो भी शामिल होते हुए भी दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो दावे लगातार किए जा रहे हैं वो आने वाले समय में कितने सच साबित होंगे? क्या वाकई में जिस तरह से अब केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक ऐसे मुद्दों को लेकर आ रही है जो विपक्ष को पूरी तरह से बिखेरने का काम कर रहा है, और बिखरे हुए ये विपक्षी दल क्या वाकई में मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे या नहीं? इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।